हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। चर्चा करने वाले हैं भारत चीन विवाद, सकारात्मक सहमति की आवश्यकता है। अभी आप देखिए कि जितने भी आपके सेना अध्यक्ष हों या फिर सेना से संबंधित अधिकारी हों या फिर देश के हमारे राजनीतिज्ञ हों, मतलब राजनीति का विश्लेषण करने वाले, वो सभी लोग यही कहते हैं कि हम लोग युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्षों को नुकसान होगा, हो सकता है हमें अधिक नुकसान झेलना पड़े। ठीक है, क्योंकि हमारी स्थिति, अर्थव्यवस्था की स्थिति कोरोना से पहले ही खस्ता हो चुकी थी। जितना असर पड़ा बचा था वो आपका कोरोना के बाद पूरी उसने कर दी। ठीक है, तो इसलिए युद्ध किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो इसी की बात की जा रही है। तो देखेंगे कि चर्चा में क्यों कारण बना हुआ है, एक पृष्ठभूमि देख लेंगे, भारत अपनी तरफ से क्या पक्ष रखता है, और एक आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC हर बार सुनते हैं उसे भी दिखा लेंगे मैप्स में, और भारत चीन विवाद यानी कि सीमा पर तनाव का इतिहास क्या रहा है, पूरे इतिहास के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको आर्टिकल कहीं आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि काफी हद तक चीन पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो भी आर्टिकल आएगा उसे या तो फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया करेंगे या फिर कहीं टेलीग्राम पर उपलब्ध कर देंगे। ठीक है, वहां से पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले चलिए हम मैप्स में बात कर लेते हैं, स्थिति देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, ये आपका चीन है, चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ देखिए बीजिंग, ऊपर मंगोलिया लगा हुआ है। ये आपके सीमा की बात करें तो देखिए बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपका चीन। याद रखिए चीन की हमारे साथ डायरेक्ट सीमा नहीं लगती थी, तिब्बत वाले हिस्से की हमारे साथ सीमा लगती थी, लेकिन जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसे कब्जे में लिया तो चीन से भी हमारी सीमा लगने लगी है अब। ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी पाकिस्तान बांग्लादेश से लगती है और POK वाले हिस्से की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, और अक्साई चीन यहाँ विवाद चल रहा है आपका। चलिए इसे अच्छे से देखते हैं मैप्स में। देखिए यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये चाइना, अक्साई चीन चाइना के कब्जे में है और POK पाक वाले। ठीक है, ये आपकी LAC है, इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आपकी POK है, LIUC, LOC। ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, तो इसी को लेकर विवाद चल रहा है यहां। ठीक है, चलिए आर्टिकल पर देखते हैं हम लोग। हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के जमावड़े ने भारत चीन के मध्य तनाव को और बढ़ा दिया है। चीनी सेना के जमावड़े के प्रत्युत्तर में भारत ने अपनी सेना का वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सतर्क रखा है, और याद रखिए यहाँ हमारे 20 सैनिक शहीद भी हो चुके हैं इसी झड़प में। ठीक है, ये 1962 के बाद पहली बार है कि इतनी बड़ी सेना, मतलब 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए गतिरोध का कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के समानांतर और गलवान घाटी में दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण माना जा रहा है। जब से आपने देखा है कि लद्दाख को नया राज्य बनाया गया है, संघ शासित राज्य, तो तभी से चीन इस पर आपत्ति जता रहा है, और फिर हम लोग वहां सड़क का निर्माण भी करने लगे हैं लद्दाख में LAC के पास। ठीक है, तो इसी सड़क को लेकर चीन बुरा मान रहा है और आपत्ति जता रहा है। इसे सीमा संगठन, सड़क संगठन यानी कि BRU ने बनाया है। BRO भारत सरकार की वह एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी मित्र देशों की सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार करता है, और इसे रोड को लेकर ही आपने देखा होगा कि अभी नेपाल से भी हमारी जितने नीचे से नीचे रिश्ते जा सकते थे, बुरे से बुरे उतने पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपने देखा है नेपाल के प्रधानमंत्री यानी कि आपका देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि चीन यानी कि भारत, जो चीन से वायरस आया हुआ है उससे खतरनाक भारतीय वायरस है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद इस शब्द आपके पाकिस्तान को बोलना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बोले। पिछले कुछ वर्षों में चीनियों ने भी पेंगोत्सो
और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के किनारे अपनी सड़कों का निर्माण किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी हमारा चीन से विवाद बना हुआ है। इसके पहले 2017 में आपने चीन ने भूटान और भारत के साथ एक तरफा त्रिकोणीय परिवर्तन करना चाहा, जिसने डोकलाम विवाद को जन्म दिया था भूटान के पास, सिक्किम के पास आपकी, ठीक है, 2017 में ये घटना घटी थी। इसके अलावा दिसंबर 2022 तक भारत द्वारा भी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में फैली सीमा के साथ सभी 61 महत्वपूर्ण सड़कों को पूरा किया जाएगा, जिसकी लंबाई आपकी 3417 किलोमीटर तक होगी। एक काम आपका दिसंबर 2022 तक पूरा करने की उम्मीद है। वर्तमान समय में दोनों देशों ने डैम चौक, दौलत बेग, ओल्डी, गलवान नदी के आसपास और साथ ही लद्दाख में पेंगोसो झील के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं। हालांकि परिवहन और संचार में सुधार ने भी दोनों सेनाओं को इन सीमाओं क्षेत्र में बेहतर तरीके से गश्त करने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए गश्ती दल के आमने सामने आने की संभावना अधिक हो जाती है। भारत के पक्ष की बात करें, भारत क्या बोल रहा है इस पर? भारत सरकार ने कहा है कि चीनी सैनिकों की हालिया गतिविधियां LAC के पास भारतीय गश्त में बाधा डाल रही है, लेकिन भारत चीन सीमा में क्षेत्रों में अमन और शांति बनाए रखने के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है। भारत LAC के पास सड़क और हवाई संपर्क बनाकर इस सीमा तक संतुलन बहाल करने की भी मांग कर रहा है। इसके अलावा भारत ने दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन, ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता और बिना लाइसेंस वाले वैध व्यापार के प्रति अपना समर्थन दोहराया और कानूनी व कूटनीतिक प्रक्रियाओं को सम्मान करते हुए किसी भी मतभेद को हल करने के लिए कहा है। भारत ने दक्षिण चीन सागर को वैश्विक कॉमन्स के रूप में माना है, जबकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता रहता है। इसको लेकर भी आपने देखा होगा, अक्सर विवाद में बना रहता है दक्षिण चीन सागर, और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और अन्य लोगों के दावे की अवहेलना करता है। सीमा समझौते हेतु प्रयास किए गए 1980 के बाद से दिल्ली और बीजिंग ने सीमा समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रोटोकॉल तैयार किए हैं, जिसके अनुसार दोनों देश ना तो बल का प्रयोग करेंगे और ना ही बल प्रयोग की धमकी देंगे, और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सौजन्य से व्यवहार करेंगे, किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से बचेंगे। वर्ष 1993 में भारत चीन ने अपनी सीमा पर तनाव कम करने के लिए कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए थे। अक्टूबर 2013 में दोनों पक्षों ने सीमा रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो सीमा के साथ किसी भी विवाद को रोकने के लिए था। इसमें सैन्य और राजनयिक स्तर के संवाद तंत्र को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच 2018 में वुहान में और 2019 में तमिलनाडु में हुए शिखर सम्मेलनों में ने अधिक स्थायी समाधान की उम्मीद जगाई थी। भारत ने लंबे समय से LAC की विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, हालांकि भारत ने कहा है कि वह चीन के साथ तनावपूर्ण सीमा गतिरोधों को हल करने के प्रयासों में लगा हुआ है। और आप समझिए कि अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो ये मुद्दा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए ना तो चीन चाहेगा कि इसमें किसी अन्य देश की एंट्री हो, ना ही भारत चाहेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC एक 3488 किलोमीटर लंबी रेखा, सीमा रेखा है, जो भारत और चीन को अलग करती है। भारत और चीन के बीच यह विवादित सीमा है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के रूप में भी जाना जाता है, को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया, पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख कश्मीर, मध्य क्षेत्र उत्तराखंड हिमाचल, पूर्वी क्षेत्र सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक फैला हुआ है। यहीं आप देखते हैं कि कारण मतलब विरोध का विरोध बना रहता है। अब देख लेते हैं भारत चीन सीमा के तनाव का इतिहास क्या रहा है। तिब्बत पर विवाद 1950, भारत ने दलाई लामा को तिब्बत के आध्यात्मिक नेता है, ये दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, चीन ने उन्हें एक खतरनाक अलगाववादी नेता मानता है, किन्हें? दलाई लामा को। भारत चीन का टकराव दलाई लामा को लेकर बना हुआ है, हमेशा ही बना है। भारत चीन युद्ध
आपको पता है कि 1962 में दोनों देश के बीच सीमा विवाद के कारण 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। इस टकराव में चीनी सेना ने लद्दाख के अक्साई चीन और डेमचोक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसमें हमारी हार हुई थी। सीमा संघर्ष 1967 नाथुला और लोच चोला में दोनों पक्षों की सीमाएं सेनाएं भिड़ गईं। भारतीय और सेना चीनी सेना सेना के बीच 4 दिन तक गोलीबारी चलती रही। अरुणाचल प्रदेश संघर्ष 1986 एक बार फिर दोनों राष्ट्र के बीच 1986 में अरुणाचल प्रदेश के सुंदोरोंग चू घाटी के पास संघर्ष हुआ था। फिर आपका डोकलाम विवाद 2017 में, यह तब प्रकाश में आया जब चीनी भारतीय क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सैनिकों ने अपनी भूटानी समकक्षों की सहायता से इस पर आपत्ति जताई, जिसके परिणाम स्वरूप गतिरोध पैदा हो गया और डोकलाम रणनीतिक रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब स्थित है, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ मुख्य भूमि को जोड़ता है। इस गलियारे को चेकन नेक भी कहा जाता है, जो भारतीयों के लिए एक संवेदनशील बिंदु है। समस्याओं की अगर बात करें तो हाल ही में भारत ने नक्शे के आदान प्रदान के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के स्पष्टीकरण पर चर्चा को फिर से शुरू करने के लिए चीन से बात करने की कोशिश की है। आप सभी को पता है कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर, तो नया मैप जारी किया गया हमारा। इसी को लेकर आपका देखा है कि नेपाल से भी विवाद छिड़ चुका है, ठीक है, और इसी से चाइना से। इससे LAC की स्पष्ट रूपरेखा बनाने में मदद मिल सक्ती थी, लेकिन चीन ने इस प्रक्रिया को रोक दिया क्योंकि उन्हें डर है कि LAC एक सीमा बन जाएगी। इसके अलावा चीन ने सीमा पर तैनात बलों के लिए एक व्यापक आचार संहिता की मांग की। हाल के सीमावर्ता से यही प्रतीत होता है कि वांछित परिणामों को प्राप्त करने में बेमेल विचारधारा ही सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा ब्रिगेड कमांडरों के बीच प्रेलेग मीटिंग में भी अब तक गतिरोध को तोड़ने में असमर्थ रही है। साथ ही 2005 और 2013 में प्रोटोकॉल में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत नियमों पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन हमेशा इसका पालन नहीं किया गया है। निष्कर्ष देख लेते हैं, आखिर क्या निष्कर्ष निकल सकता है। भारत चीन दोनों देश तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आप सभी को पता है कि 21वीं सदी आपकी एशिया की सदी कहा जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा जनसंख्या है वो तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो आगे बढ़ने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। तो भारत और चीन इसमें पहले नंबर पर है, तो अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो हो सकता है कि 21वीं सदी आपकी भारत चीन की सदी कहला सकती है या एशिया की सदी कहला सकती है, लेकिन ऐसे अभी दिख नहीं रहे हैं कि दोनों एक है। दोनों के बीच टकराव के कई बिंदु हैं, लेकिन दोनों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि यदि एशिया में शांति स्थापित करना है तो दोनों साथ मिलकर चलना होगा, खासतौर पर अर्थव्यवस्था के स्तर पर तो साथ आना ही होगा, जिससे कि दोनों को एक बेहतर बाजार मिल सके। सीमा विवाद के शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अतः दोनों देशों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। परेंगो सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी सकरी गहरी लैंडलॉक झील है। इसका पश्चिमी छोर लेह के दक्षिण पूर्व में 156 किलोमीटर दूर स्थित है। 135 किलोमीटर लंबी यह झील बुमेरांग के आकार में 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। खारे पानी की यह झील सदियों में जम जाती है सर्दियों में जम जाती है। आइस स्केटिंग और पोलो के लिए अनुकूल स्थल बन जाती है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के महान डोगरा सेनापति जोरावर सिंह ने तिब्बत पर आक्रमण करने से पहले अपने सैनिकों और घोड़ों को जमे हुए पेकोंग झील पर प्रशिक्षण दिया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC ज्यादातर भूमि पर से गुजरती है, लेकिन प्रंगोत्सो एक अनूठा मामला है, यहाँ पर पानी से भी गुजरता है। वर्तमान में झील का 45 किलोमीटर लंबा पश्चिमी हिस्सा भारतीय नियंत्रण में है, जबकि शेष चीन के नियंत्रण में है। 1962 के दौरान यह वह जगह थी जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था 1962 के युद्ध में। तो ये कहानी थी आपकी भारत चीन की। याद रखिए, आप भी जानते हैं।
कि कोई भी मामला होता है आपके यहाँ भी अगर किसी में लड़ाई होती है, लास्ट सॉल्यूशन क्या निकलता है? राजीनामा, यानी कि दोनों पक्षों में समझौता। तो कितने बड़े ये युद्ध हुए हो, कुछ भी होता हो, लेकिन लास्ट में समझौता ही समाधान होता है। आप सोचें कि युद्ध किसी भी बात का सॉल्यूशन है जाए, यानी कि समस्या का समाधान हो जाए, ये कभी ना हुआ है ना होगा। ठीक है, आप अच्छे से रहिए और परिवार का ख्याल रखिए, और याद रखिए नेताओं के भाषणों पर मत जाया करिए। मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूँ कि नेता बोलते कुछ हैं, हकीकत कुछ भी है और कहते कुछ भी हैं। उन्हें अपने वोट बैंक की राजनीति से मतलब रहता है, आपके मरने जीने से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है।